ज्योतिषाचार्य जी, वैशाख माह का पहला अमावस्या कब है और अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय जातक को करना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। यह साल का, पूरे साल का पहला महीना जो वैशाख होता है, यह बहुत पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू धर्म में वैशाख महीना को उत्तम मास कहा गया है। तो वैशाख मास का जो अमावस्या होता है, पहला अमावस्या, यह 8 मई को पड़ रहा है। यदि आप पितृ दोष से, पितृ ऋण से परेशान हैं, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, आपके कुंडली में पितृ दोष है, या आपको बार बार कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है, आपको कुत्ता हर समय निहारते रहता है, तो समझिए कि हमारे ऊपर पितृदोष है, पितृऋण है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए आपकी वैशाख का जो पहला अमावस्या होगा, उस दिन 8 मई को, 8 मई को इस बार वैशाख का अमावस्या लग रहा है। इससे पितृऋण से, पितृ की मुक्ति के लिए आप सर्वप्रथम नारायण की पूजा करें। नारायण की पूजा करने के बाद उस दिन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध का पारायण घर में कराएं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध का यदि आप पारायण कराते हैं, तो आपकी पितृ की मुक्ति अवश्य होगी। नारायण का पूजा करने के बाद श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध का पारायण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और यथेष्ट उस दिन पितृ के नाम से दान करें, तो आप पितृ ऋण से मुक्त होकर के, पितृदोष से मुक्त होकर के आप सुखी, संपन्न, शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पूरा परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।